हेलो एवरीवन वेलकम टू रारा दोस्तों आज मैं एक सनस्क्रीन के विषय में बताने वाली हूं दिस इज न्यू लॉन्च फ्रॉम लैकमे और यह है लैकमे सन एक्सपर्ट टिंटेड सनस्क्रीन जो कि नेचुरल टोन देता है मैट है ऑल स्किन टाइप है एंड दिस इज जर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड सो ये सनस्क्रीन जो है इससे आप एवरी डे मेकअप लुक भी क्रिएट कर सकते हैं वो किस तरीके से आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं इस वक्त जो ये मैंने सॉफ्ट एंड नो मेकअप मेकअप लुक किया हुआ है ये मैंने इसी सनस्क्रीन से किया है और मैं आपको एक चीज बता दू कि ये बिल्कुल भी इसमें फाउंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है मेकअप लुक में एंड क्योंकि यह टिटेड सनस्क्रीन है तो इसकी पैकेजिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग रखी गई है फाउंडेशन लुक यहां पर हल्का सा दिया गया है और ये जो शेड है ये यूनिवर्सल शेड है इसमें कोई डिफरेंट डिफरेंट शेड नहीं आते हैं एक ही शेड आता है और इसको आप ऑल स्किन टाइप अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में दिखा देती हूं एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ये यह है लैकमे सन एक्सपर्ट एस पी एफ फिफ्टी पी ए ट्रिपल प्लस टिंटेड सनस्क्रीन नेचुरल टोन अल्टीमेट ऑल स्किन टाइप डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड दिस इज वेरी ब्यूटिफुल सनस्क्रीन और ये एक टिंटेड मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन है और इसको अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो कोई बीबीसीसी क्रीम की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है डे टाइम के समय पर 50 ml इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी आती है दोस्तों थ्री हंड्रेड का है और ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है ऑल स्किन टाइप है क्योंकि इसके अंदर क्यूकम्बर एंड लेमन ग्रास है जो कि आपके स्किन को लाइट नॉन स्टिकी एंड कूल फील कराते हैं आपकी स्किन को टोन्ड लुक प्रोवाइड कराता है एवरी डे ये और इसका जो फॉर्मूला है ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा मतलब नॉर्मल सनस्क्रीन से ज्यादा अच्छा है और इसमें कोई वाइट कास्ट नहीं है ये बिल्कुल पैच ही नहीं होता अजीब सा नहीं लगता है बहुत अच्छा टिंटेड सनस्क्रीन है रेवोल्यूशनरी सन प्रोटेक्शन फॉर्मूले के साथ में आता है इजीली स्किन में इनविजिबल uh, तरीके से बिल्कुल ब्लेंड हो जाता है और इसको आप अच्छे से तीन से चार घंटे बाद वापस रीअप्लाई कर सकते हैं और फेस के अलावा आप इसे बॉडी पार्ट्स पर भी लगा सकते हैं जो कि ओपन रहते हैं सन एक्सपोजर में आ जाते हैं और इसे आंखों के ज्यादा आसपास ना लगाएं दोस्तों तो मुझे ये बहुत बढ़िया लगा क्योंकि नॉर्मल सनस्क्रीन से ज़्यादा अच्छा है मेकअप से पहले भी लगा सकते हैं आप इसे क्योंकि ये स्किन में परफेक्टली स्किन टोन जैसा ही ब्लेंड हो जाता है अब मैं इसे लगाने वाली हूँ तो अब मैं अप्लाई कर रही हूं लैक मेसन एक्सपर्ट एस पी एफ फिफ्टी पी ए ट्रिपल प्लस टिंटेड सनस्क्रीन और ये आप इसका शेड देख सकते हैं इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ज्यादा लाइट वेट है और अच्छे से मैं इसको फेस और नेक पर अप्लाई करूंगी आप चाहें तो इसे हाथ पर और जो जितनी भी गर्दन खुली होती है अच्छे से अप्लाई कर लें जिससे कि सन एक्सपोजर में जाने के बाद में आपका जो आ, स्किन है वो टैन ना हो और आप चाहें तो इसका डी टैन स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं इसका आफ्टर सन जेल यूज़ कर सकते हैं ये जो कंप्लीट रेंज है इसका कंप्लीट uh, रेंज का रिव्यू आपको मेरे चैनल पर मिलेगा और ये देखिए बहुत ही आराम से ये स्किन में ब्लेंड हो गया एंड स्किन को बना रहा है सुपर सॉफ्ट एंड ब्राइट तो किसी एक्स्ट्रा बी बी -सी 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 क्रीम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती आप चाहें तो डायरेक्ट क्टली इसके ऊपर कॉम्पैक्ट अप्लाई कर सकती हैं मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा और फाइनल टच जो है इसका ऐसा आता है ये देखिए बहुत बढ़िया लुक देता है स्किन पर तो इस तरीके से मैंने इसे अप्लाई किया और मैंने इसका लिंक दिया हुआ है मेकअप लुक वीडियो का वो भी आप चेक कर लीजिएगा मैंने इसको किस तरीके से अप्लाई किया है और इसे बॉडी पार्ट्स पर भी अप्लाई किया जा सकता है तो आप इस सनस्क्रीन को परचेज कर सकते हैं लैकमे से लैकमे के जो आउटलेट होते हैं आजकल तो मॉल वगैरह खुल गए हैं जहां नहीं खुले हैं वहां आप नायका से मंगवा सकते हैं और ये काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे तो बिल्कुल आप इसे ट्राई कर सकते हो अगर आपके एक्ने प्रोन स्किन है तो बिल्कुल मैं ट्राई करिएगा क्योंकि एक्ने प्रोन स्किन वालों को मैं सिर्फ नीम प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की सलाह देती हूँ एलोवेरा जेल लगाने की सलाह देती हूं या फिर कोई भी जेल बेस्ड वाटर वॉटर बेस्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की सलाह देती हूं और ये मैट लुक देता है तो ये काफी अच्छा है मॉइस्चराइजिंग भी करता है स्किन को लेकिन मैट लुक देता है तो ये स्किन में नमी बनाए रखता है मुझे बहुत अच्छा लगा और ये आपकी मर्जी है आपको ट्राई करना हो तो आप बेशक से ट्राई कर सकते हैं समर विंटर ऑल वेदर के लिए ये काफी ज्यादा अच्छा है और यदि Uh, इसको मेकअप से पहले भी आपको अप्लाई करना हो तो बिल्कुल आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं मेकअप इससे बिल्कुल ऑक्सीडाइज नहीं होता आप इस वक्त देख सकते हैं मैंने इसी से ये मेकअप किया हुआ है एंड ये बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है दोस्तों सो so, मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर टिकटॉक स्नैपचैट पर थैंक यू सो मच और मेरे अनदर चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा बाय दोस्तों